दो साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। मुंबई के गिरगांव इलाके में सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 24 लोगों को परमिशन दी गई है। ऋषि कपूर का मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंच गया है। वहीं अपने पिता के संस्कार में आने के लिए ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा को दिल्ली पुलिस ने मूवमेंट पास दिया है। रिधिमा को मुंबई जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर साउथ ईस्ट दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको मुंबई जाने का मूवमेंट पास जारी कर दिया। सुबह 10:30 पाँच लोगों के लिए पास जारी किया गया। लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड हस्तियां अपने चहेते एक्टर ऋषि कपूर का आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। ऋषि कपूर के निधन की सबसे पहली खबर महानायक अमिताभ बच्चन ने शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि वो गए, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूँ।